भारतीय संविधान में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आजादी के समय से ही देश के पत्रकारों ने देश को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। भारत में अनेक प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं जिन्होंने निस्वार्थ देश की सेवा की है। महिला पत्रकार सुजेता दलाल का नाम ऐसे ही पत्रकारों की श्रेणी में आता है। पत्रकार सुजेता ने 1992 में स्टॉक मार्केट के देश के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था। इनके अथक निर्भीक प्रयासों से ही 1992 का घोटाला उजागर हुआ और आरोपी हर्षद मेहता को जेल हुई। इसके कारण इनको बहुत प्रसिद्धि मिली और इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, इस कहानी से कुछ सीखते हैं। सुजेता दलाल का जन्म 1962 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इनकी स्कूल की पढ़ाई मुंबई में कंप्लीट हुई। इन्होंने स्टैटिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर्नाटक कॉलेज से पूरी की। इसके बाद इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से LLB और LLM की डिग्री हासिल की। बचपन से ही सुजेता को बिजनेस में इंटरेस्ट था, साथ ही एक सच्ची पत्रकार बनना चाहती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए वे आगे चलकर बिजनेस पत्रकार बनी। सुजेता दलाल ने अपना करियर 1984 में एक निवेश पत्रिका फॉर्च्यून इंडिया के साथ शुरू किया। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ व्यवसाय और अर्थशास्त्र विंग के लिए एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद वे टाइम्स ऑफ इंडिया की वित्तीय संपादक बन गई और 1998 तक वे टाइम्स ऑफ इंडिया का हिस्सा रही। टाइम्स ऑफ इंडिया में रहकर इन्होंने देश के सबसे बड़े घोटालेबाज हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट बिजनेस की छानबीन करते हुए हर्षद के घोटालों का पर्दाफाश किया। सुजेता ने हर्षद के घोटालों के बारे में बताया कि वह कैसे बैंकों में अपनी जान पहचान का फायदा उठाकर बैंकों से 15 दिन के लिए लोन लेता और किस प्रकार उसने बैंकों और अन्य लोगों के 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 1992 में सुजेता की पत्रकारिता और तहकीकात के कारण ही 1992 के स्टॉक मार्केट के घोटाले उजागर हुआ था। इसके बाद पुलिस की जांच हुई जिसमें हर्षद मेहता को जेल हुई। इसके कारण उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। अपने करियर में सुजेता ने और भी कई घोटालों की पोल खोली थी, जैसे CR भंसाली स्कैम, IDBI स्कैम, केतन पारेख स्कैम और इंद्रान स्कैम। टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ने के बाद सुजेता दलाल इंडियन एक्सप्रेस समूह के साथ परामर्श संपादक रही और 2008 तक इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए कॉलम लिखे। इसके साथ ही 2006 में इनके पति देवाशीष बासु ने मनी लाइफ नाम की पत्रिका निकाली जिसके लिए सुजेता ने लिखना शुरू किया। बात करें अवार्ड्स की तो 2006 में इन्हें पद्मश्री मिला। ये पद्मश्री सुजेता दलाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। इसके अलावा सुजेता दलाल को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही 1992 में हर्षद मेहता प्रकाशन पर काम और संबंधित लेखन के लिए फेमिना की वुमेन ऑफ सब्सटेंस डिग्री से सम्मानित किया गया। सुजेता दलाल ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें द स्कैम खास चर्चा में है। अपने जमाने की निडर पत्रकार रही सुजेता दलाल को समय के साथ भुला दिया गया, पर हाल ही में सोनी लिप पर एक वेब सीरीज स्कैम 1992 रिलीज हुई जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस स्कैम का पर्दाफाश करने वाली पत्रकार सुजेता दलाल थी जिन्होंने इस स्कैम को जनता के सामने लाने के लिए पूरी जान लगा दी। समय के साथ लोग इन्हें भूल गए थे, लेकिन वेब सीरीज आने के बाद सुजेता दलाल सबकी नजरों में आई। वेब सीरीज में सुजेता का रोल श्रेया धनवंतरी ने प्ले किया है। इस वेब सीरीज को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। वर्तमान में सुजेता दलाल अहमदाबाद में उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र के ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्ट समूह भारत में सबसे बड़े उपभोक्ता और निवेशक वकालत समूहों में से एक है। इसके अलावा वह उपभोक्ता सेवाओं से जुड़ते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थायी समिति की सदस्य हैं तथा इसके साथ ही पत्रकार सुजेता दलाल एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की उपभोक्ता शिकायत परिषद की सदस्य भी हैं। ये थी दोस्तों पत्रकार सुजेता दलाल की कहानी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बायोग्राफीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।